और ये रहा ऊपर से चीज, जिसे कि बहुत अच्छे, अच्छा बात है, ज्यादा खट्टी नहीं लेकिन थोड़ा खट्टा। ये खाने वाला बेकिंग सोडा और ये नमक। अब इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें 2 चम्मच रिफाइन जाएगा, साथ ही खूब अच्छी तरीके से गूंदना है। जितना अच्छा से आप गूंदिएगा उतना अच्छा बनेगा। इसे मैं इस पोलोथीन में रख रही हूँ ताकि इसमें हवा ना लगे और ये बहुत अच्छी तरीके से फूले। इसे मैं ऐसे कम से कम 2 घंटे के लिए ये रेस्ट में रहेगा। ये रहा सामान पिज्ज़ा वाला, मिनी पिज्ज़ा का। ये रहा धनिया पत्ता का चटनी और ये रहा सेजवान चटनी, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले शिमला मिर्च, प्याज, गाजर। अब ये जाएगा इसमें। ये चीज ऊपर से भी दे सकते हैं लेकिन मैं इसमें इसलिए दे रही हूँ, इसमें भी मिला रही हूँ ताकि ये पूरा मिल जाए और पूरी अच्छी तरीके से रहे। इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अब इसे देखती हूँ कि ये कैसा आटा तैयार हुआ है। इसे 2-3 घंटे के लिए मैं रख दी थी। देखिए कितना अच्छा से हुआ है। जैसा हमें चाहिए था वैसा ही हुआ है। जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा आप अपने अनुसार गोला ले सकते हैं। हाँ, इतना बीच में इतना गैप रहना चाहिए, ठीक है। इसको हाथों के से आपको ऐसे ऐसे उंगली से करना है। अब इसमें जाएगा ये सेजवान चटनी और ये रहा धनिया पत्ता और पुदीना का चटनी। क्योंकि ऊपर से भी मैं डालूंगी चीज, इसमें भी मैं चीज मिलाई हूँ ताकि ये जितना पकेगा उतना अच्छी तरीके से ये होगा। अब ये बीट है, ये भी आप डालना अगर इच्छा है तो डाल सकते हैं और नहीं अगर आपकी मर्जी रहे तो मत डालिएगा, ये कोई बात नहीं है। चीज जिसे कि बहुत अच्छा से आपको देना है, चीज देने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, इधर गिरने से कोई भी नहीं है। मैं इसे इसमें बना रही हूँ, आप चाहे तो तावा पे भी बना सकते हैं। अब इसे कम से कम 30 मिनट तक ये पकेगा अच्छी तरीके से।